ले आइए। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह। फिश फार्मिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त इंडोनेशिया में हूं और बायोफ्लॉट में मछली पालन को समझने दोबारा यहां आया हूं। इसके पहले जब मैं यहां आया था तो बायोफ्लॉट की ट्रेनिंग ली थी और उसी ट्रेनिंग को धारदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर यहाँ पर हूँ। ढेर सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि बायोफ्लॉट में क्या बड़ी मछली हो सकती है, मतलब इंडोनेशिया में जो मार्केटेबल साइज वो 100 150 या 200 ग्राम की है। कुछ लोगों को शायद जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे या कुछ और लोगों ने वीडियो भी बनाया है इस पर कि चूँकि छोटी मछली होती है बड़ी मछलियों से को पालना मुश्किल है बायोफ्लॉक में। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको यही दिखाने जा रहा हूँ कि दरअसल ऐसा नहीं है, बायोफ्लॉक में बड़े साइज की मछली भी हो सकती है। अपने यहाँ पंगासियस की फार्मिंग होती है और संजोग से मैंने आग्रह किया यहाँ जिनका ये फार्म है कि ज़रा दिखाएं हमको पंगासियस कि किस साइज का पंगासियस यहाँ इनके टैंक में इस वक्त है। मैं जिस टैंक में आपको पंगासियस दिखा रहा हूँ इसमें पंगासियस की जो साइज है वो 1/2 kg से प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि पंगासियस 1/2 kg से ज़्यादा यानी 1 kg तक भी आप बायोफ्लॉक के जरिए कर सकते हैं और न सिर्फ पंगासियस बल्कि दूसरी मछलियों का भी जो वेट है ना उससे बड़ा आप कर सकते हैं, मतलब जो अपने यहाँ मार्केटेबल साइज है। जैसे मैं अपने ट्रेडिशनल फार्म पे 500 ग्राम या उससे थोड़ा ज़्यादा जो मछली है उसका डिमांड ज़्यादा होता है। यहाँ पे इस टैंक में आपको मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कैसे पंगासियस 500 ग्राम से ज़्यादा वेट का इसमें है। निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर आप पंगासियस की फार्मिंग करते हैं तो आपको ये समझ में बिल्कुल आएगा। ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि निकाला जाए और आप ज़रा देखिए ये जो साइज जो है ये 600 ग्राम से बड़ी है। ये जो पंगासियस की मछली है ये 700 ग्राम ये बड़ी मछली है पंगासियस की, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। और ये इस बायोफ्लॉक सेटअप में मेरे साथ, एक सेकंड उसको रुकिएगा, मेरे साथ रामाशंकर जी हैं, फिश फार्मर हैं और इन्होंने भी पटना में अपना फार्म लगाया हुआ है। जो लोग कहते हैं कि पंगासियस बड़े साइज की नहीं हो सकती है इसमें बायोफ्लॉक में, अभी आप जो अपने नज़र से देख रहे हैं क्या दिखा आपको? ये ऑलमोस्ट 600 ग्राम्स के आसपास है और 4 महीने में यहाँ बता रहे हैं एक्सपर्ट लोग कि भाई 600 ग्राम हुआ है। ये तो जागता है, बढ़िया है, मतलब इस साइज़ का जीरा। और ये एक्चुअली जब आप चीज़ों को टेक्नोलॉजी को समझते हैं और दुनिया घूमते हैं तो इस तरह से नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये हालांकि मेरे आग्रह पर, चूँकि मैंने इनको कहा कि भाई इंडिया में ढेर सारे लोग कहते हैं कि बड़ी नहीं होती है बायोफ्लॉक में, तो इन्होंने इस टैंक का जो पानी आप देख रहे होंगे इसको खाली किया और उसके बाद सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने ये प्रयास किया है। बायोफ्लॉक में और क्या कुछ है ये आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपके मन में जो एक ये सवाल था कि साइज इसका कैसा होगा, तो साइज को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप जिस साइज़ का करना चाहेंगे पंगासियस उस साइज़ का होगा। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें ये पंगासियस की साइज है। और ख़ास बात ये भी है इसमें जो पंगासियस है उसमें, ख़ास बात ये भी है कि बॉडी पे जो साइनिंग, अगर आप समझते हैं आप मछली पालन कर रहे हैं शरीर पे जो साइनिंग है, रामाशंकर जी क्या कहता है साइनिंग के बारे में? साइनिंग इसका हम लोग जो पॉन्ड में कर रहे हैं उससे बेहतर है, मतलब ये जब बाजार में मछली जाएगी तो आप समझिए कि प्रायोरिटी पे इसको लोग खरीदेगा। कई बार क्या होता है कि मछलियों की जो पंगासियस हम लोग फार्म करते हैं ना उसमें उसका जो बॉडी का साइन है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ साइनिंग ज़बरदस्त है मछली में बायोफ्लॉक में। और कुल मिला के ये बहुत ताल ठोक के कहा जा सकता है कि आप समझिए कि पंगासियस की फार्मिंग बायोफ्लॉक में, जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे वो अटक गया है जो हम अपने वेट, ये तकरीबन ये 1 kg के आसपास पंगासियस है, ये पंगासियस 1 kg के आसपास है। और जो जो इसके बॉडी पे साइन है, साइनिंग है,
वो भी आप देख पा रहे होंगे ज़बरदस्त साइनिंग है। और ये जो मछली है ये इसी टैंक की है, इसी बायोफ्लोट टैंक की है। तो कुल मिला के मेरा यही प्रयास है कि आपको जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना वो एकदम धरती पे उतर के दिखाया जा सके, ताकि आप ये समझ पाएँ कि कैसे चीज़ें काम करती है, कुछ सुनी सुनाई बात नहीं। और प्रयास यही है, ये दोनों आदमी यहाँ जो आके बायोफ्लॉट में फार्मिंग को देख के ओवरवेलम्ड है, मतलब हम कह नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत में जब आ रहे थे तो इनके मन इसमें कुछ मछलियाँ जो है ना इनके मन में थोड़ा लग भी रहा था कि पता नहीं बायोफ्लॉट कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद बेहद खुश हैं। और जो एक्साइटमेंट उनके अंदर इस बार है, यही एक्साइटमेंट मेरे अंदर पिछली बार था जब हम यहाँ आए थे, और यही एक्साइटमेंट जब आप अपनी आंखों से देखेंगे ना तो आपके अंदर भी होगी। क्या रामाशंकर जी इधर आइए, जो पंगेसियस का रामाशंकर जी का पंगेसियस का 80 टन के आसपास प्रोडक्शन होगा, 80 टन पंगेसियस प्रोडक्शन करते हैं। और ये यहाँ देख के क्या कुछ आपको पंगेसियस के बारे में अगर कुछ बताना चाहिए जो लोग देख रहे हैं पंगेसियस में? एक तो इसमें लो कॉस्ट आ रहा है खर्चे, और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग को 60-65 रुपये वहाँ इंडिया में खर्च आ रहा है। अगर इस टेक्नोलॉजी से करते हैं तो हम लोग अंडर 50 रुपीज़ में पंगेसियस 1 kg को तैयार कर लेंगे। तो ये एक मेज़र हम लोगों का जो गैप है प्रॉफिट का वो बढ़ जाएगा। मछली को देख के मछली का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य है, जो उसका एक्टिविटी है फास्ट है, एकदम चंचलता जिसको कहते हैं सनिंग जो है वो बेहतर है। तो कभी भी जब खरीदार आएंगे तो प्रायोरिटी पे फर्स्ट चॉइस हमारा मछली होगा। तो आपके लिहाज से आप जब यहाँ आ रहे थे आपके मन में आप बता रहे थे कि शंका है कि पता नहीं बायोफ्लॉट कैसा होगा, यहाँ आके जो आप बायोफ्लॉट देखे ज़मीन पर क्या यहाँ आने के बाद लगा कि ये सही सच में ये पॉसिबल है, और हम लोग अगर इसको इंडिया में एप्लीकेबल करें तो फिर क्रांति आ जाएगा बायोफ्लॉट में, फिर पॉन्ड में फार्मिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और लेबर भी कम, एक आदमी मिलके इसको खाली कर सकता है। हाँ, अगर हम लोग पॉन्ड में जाल चलाते हैं तो कम से कम 6 से 8 लेबर की जरूरत होती है। व्हाट शैल बी द वेट? आई थिंक 1 kg, 1 kg प्लस, 1 kg प्लस ना। एक सेकंड आपको दिखाते हैं, देखिए वो जो निकाल रहे हैं संभवतः इधर देखिए, ये जो पंगेसियस है इसकी साइज 1.25 kg के आसपास होगी। हम लोग चूँकि फार्मिंग करते हैं इसलिए मछली देख के बता देंगे, कोई तराजू का ज़रूरत नहीं है कि क्या वेट होगा। आप अगर फार्मिंग कर रहे होंगे तो आपके आपके हाथ में क्या वेट होगा इसका रामाशंकर जी? 1 kg 300 g, 1 kg 300 ना, तो 1 kg 300 तक आपके सामने ये बायोफ्लॉट में मछली है। और नंबर भी आप देख पा रहे होंगे कि क्या संख्या होगा, आप अंदाज़ा लगाइए क्या संख्या होगा। दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या तादाद, ये जो टैंक है ये 4 diameter का है, मतलब 12,000 लीटर ये वाटर होल्ड कर सकता है, लेकिन फार्मिंग के लिए 10,000 लीटर ही वाटर इसमें रहता है। और 10,000 लीटर पानी में ये जो तादाद है मछली का वो है, कितना तादाद है ये आपको अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप थोड़ा अंदाज़ा खुद से भी लगाइए। चार महीने में इसमें जो ये पंगेसियस इस वक्त है ये 1,000 पीस के आसपास है, 1,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है। और मोटा बता देते हैं क्यों आप रहिएगा बैग में, 1,000 के से ज़्यादा है थोड़ा सा, और एवरेज साइज इसका जाएगा वैसे अंदाज़ा ये लोग लगा रहे थे कि 500 ग्राम का है, लेकिन उससे ज़्यादा जाएगा क्योंकि कुछ मछली 1 kg प्लस है। तो ये बायोमास 4 महीने में 600 kg का है, अगर 3 टर्म भी निकालते हैं तो 600 से ज़्यादा ही होगा, निकलने पर फाइनल वेट पता चलेगा कितना निकला, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि 600 kg भी अगर हुआ तो 3 टर्म भी अगर हम लोग लेते हैं, हालांकि इनको 4 महीना इसलिए लग गया क्योंकि इतना छोटा फिंगरलिंग इन्होंने डाला था, अगर 100 ग्राम का फिंगरलिंग या 50 ग्राम का फिंगरलिंग डालते तो प्रोडक्शन का टाइम कम होता और
प्रोडक्शन बढ़िया होता है। तो आप ये समझिए कि मोटा मोटी एक साल में 10,000 लीटर के टैंक में हम लोग बहुत आसानी से 1.5 टन के आसपास पंगेसियस उपजा सकते हैं। और यकीन मानिए, एक टैंक में 1.5 टन मछली का प्रोडक्शन एक साल में अपने यहाँ अभी जो जिस तरह की फार्मिंग हुई है उसमें अद्भुत है और बहुत प्रॉफिटेबल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। और स्क्रीन पर कुछ पानी का, चूँकि बारिश भी हो रहा है तो पानी का कुछ बूंद आ गया होगा, उसके चलते अगर थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो माफ़ करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।